ये अंकल जी मिले, बोल रहे इंडिया और चाइना दुश्मन है। मैं पहली बार कोई बंदा मिला जिसने इंडिया और चाइना की दुश्मनी के बारे में बात की। सारे रिक्शा वाले बैठे हुए हैं। ये जगह कुछ ऐसी है कि जिसको कहीं जगह ना मिले, जिसको कोई टिकने ना दे, वो फिर यहाँ पे आके टिक जाता है। यहाँ पे कबाड़ वबाड़ सब चलता है, सबके लिए ये मतलब परफेक्ट है। ये देखो भाई, चाइना की कबाड़ की दुकान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विश्नोई एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। और फिलहाल मैं चाइना के वुहान शहर में हूँ, यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अभी ये सत्री लिया है, यहाँ पर बारिश हो रही है कंटिन्यू। तो ये 10 युआन की पड़ी, 110 रुपए के आसपास। ये जगह इस शहर की सबसे फेमस जगह है, जो पीछे देख रहे ना उसको बोलते हैं येलो क्रेन टावर। तो अब इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से बहुत ही जबरदस्त मार्केट दिखाने वाले, बहुत ही बड़ी मार्केट दिखाने वाले हैं। और ये वाली चाइना की मेट्रो ड्राइवर लेस है भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। देख लीजिए, ये देखो हम ही सबसे आगे खड़े हैं, कोई नहीं है। देखो भाई, चाइना के वुहान में कैसे फ्लैट बने हुए हैं, एकदम पतले पतले टावर बने हुए, एकदम पतले पतले। तो भाई ये जो देख रहे हैं ना, लाल कलर की बिल्डिंग नहीं, उसके बगल वाला पूरा मार्केट है, बहुत बड़ा विशाल का। ये जितनी भी गाड़ियां आपको दिख रही है, सारे लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे एक और मार्केट भी है सामने, ये वुहान शहर के बाहरी हिस्से पर मौजूद है। तो अभी हम इसी मार्केट में घूमने जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मार्केट कैसी दिखती है। बहुत ही विशाल का है मार्केट है भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है चाइना की। तो भाई साहब, अभी हम वुहान शहर के बाहरी नाके पे मौजूद एक हंकाऊ नॉर्थ मार्केट, बहुत ही जबरदस्त, उसको देखने के लिए। तो मैं 14 मेट्रो स्टेशन फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे पहुंचा हूँ, 3 मेट्रो बदली और 14 स्टेशन के बाद इस जगह पे पहुंचा। और यहाँ पे बहुत विशाल का मार्केट है, आपको दिखाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे चाइना ट्रिप के दौरान ये पहली सबसे बड़ी मार्केट होगी जो मैं देखने जा रहा हूँ। इतने दिन तक पता ही नहीं चल रहा था कि मार्केट किधर है और जाना किधर है। अभी इधर देखो, आपको बाइक दिखेगी तो आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे। ये सामने देख रहे हैं आप बाइक बड़ी सब, बहुत सारे स्कूटर, इस तरफ आपको गाड़ियां दिखेगी, चारों तरफ आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेगी। ये देखो छोटा सा एक गाड़ी, हेलो हाउ मच। ये छोटी गाड़ी वाले भाई साहब बोल रहे आ जाओ बैठ जाओ, लेकिन पैसा कितना लेंगे वो पूछते हैं ना इनको। हाउ मच, हाउ मच थोमा मार्केट, हाउ मच अंकल बोल रहे हैं कि मैं 8 युआन लूंगा, करीबन करीबन 90-100 रुपए का। और मार्केट ये दिख रही है सामने वो वाली, वहां पे जाना है। तो अभी हम चलते हैं उस मार्केट के अंदर और आपको दिखाते हैं कुछ शानदार सीन। अगर आप कभी चाइना के वुहान शहर में आते हो और इस मार्केट आना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं हंकाऊ नॉर्थ रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन सॉरी। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, भाई हमको क्यों जगह का एड्रेस बता रहे हो, हम थोड़ी आ सकते हैं, क्यों बता रहे हो। ऐसा मत सोचो यार, ऐसा सोचोगे तो तुम घर से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। हम हर जगह जा सकते हैं, मैं भी पहले यही सोचता था कि हम जा ही नहीं सकते, लेकिन नो थैंक यू। तो ऐसा नहीं है, हम जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, हर जगह पॉसिबल है, हम सक्षम हैं। और यहाँ पे एक नाला है इस मेट्रो स्टेशन के बगल में, ये नीचे से जा रहा है, इतना बदबू मार रहा है। यहाँ पे कचरा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बदबू इतना भयंकर मार रहा है ना, आपको चलने की भी यहाँ पे ताकत नहीं रहेगी। एक्चुअली हो क्या रहा है कि वुहान है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट कह सकते हैं, यहाँ स्टील जनरेट करने वाला एक खास सिटी है, सबसे ज़्यादा स्टील है वो यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होता है और पूरे दुनिया में जाता है। तो अभी मैं देख पा रहा था ट्रेन में आते हुए यहाँ पे बहुत सारे स्टील के प्लांट भी थे, तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है। हमारे कदम धीरे धीरे मार्केट की ओर तो बढ़ ही रहे, लेकिन बढ़ने के साथ ही आपको झलक दिखाई देने लग जाती है कि एक रिक्शा जब सब्जी भर के आता है कैरेट में,
अगर भरने आता है तब क्या होता है देख लो। कैसे यहाँ पे एक रिक्शा पड़ा हुआ है, वो कबाड़ की दुकान है देखो, भंगार की उठे और ये सब, और ये सब देखो रिक्शा सामान लेके जा रहा है। तो हम मार्केट के अंदर आ ही गए ऑलमोस्ट, यहाँ पे सामने ही मार्केट है। ये देखो मैं हर बार दिखाता हूँ वही चीज़, यहाँ पे दीवार, दीवार के साथ में कारपेट, ये है चाइना। इस मार्केट को दिखाने के लिए मैं कम से कम 30 किलोमीटर मेरे होटल से यहाँ पे आया हूँ, 30 किलोमीटर पूरा वुहान शहर से बाहर आया हूँ। और ये जो जगह दिख रहे हैं ना बिल्डिंग है, ये तो ये नॉर्मल है यहाँ पे, हर जगह बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंगों से भरा पड़ा है। कोई भी शहर जाओ चाइना में, सब जगह ऐसा ही सीन दिखेगा आपको। ओ भाई साहब क्या बात है, इतनी छोटी सी कार कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 लोग तो बैठ ही सकते हैं भाई, छोटे छोटे, बड़े नहीं, ये मेरे तो पाँव ही नहीं आएंगे। कितनी छोटी सी कार है भाई देख लो। ओ भाई साहब क्या मार्केट है भाई, यहाँ पे तो मसालों की सुगंध आ रही है। और मैं देख पा रहा हूँ क्या तुम, बहुत सारी लाल मिर्ची भी है, और यहाँ पे तो बहुत सारे रिक्शा वगैरह पड़े हुए हैं। देखो पूरी दुकान के मालिक तो पता नहीं कहाँ है, देखो लाल मिर्च है। होलसेल मार्केट है यार पूरा, बहुत बड़ा यार, यार सब स्पाइसी मसाले जितने भी होते हैं सारे मसाले यहाँ पे पड़े हुए हैं देखो। ओह क्या बात है, पूरे शहर का जो है सब्जी वगैरह यहीं से जाता होगा, जबरदस्त यार, ये तो बहुत बड़ा। इधर से तुम देखो 1 किलोमीटर इधर चले जाओ और आधा किलोमीटर इधर चले जाओ, आपको चारों तरफ एक ही जैसा दिखेगा। ओह माय गॉड जबरदस्त मार्केट है भाई यार, क्या बात है भाई, ये तो बहुत विशाल मार्केट है यार। ये देखो गैस की बोतल मिल रही है, जो छोटे छोटे बाटले होते हैं ना वो वाले, ये देखो। तो भाई सामान वामान खरीदना है तो आ जाओ, राशन पानी सब मिलता है यहाँ पे। ये देखो तेल की बोतल वगैरह, वनस्पति तेल, लहसुन, अंडा, अदरक, सारी चीजें मिल रही है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट भी मिल रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है भाई। लेकिन अंदर पूरा गोडाउन में तो अंधेरा रखते हैं भाई ये सब। ये देखो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है इस मार्केट में, मुझे लगता है सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अपने को लेना नहीं, अपने को देखना है कि यहाँ की मार्केट होती कैसी है। वाह जबरदस्त, ये शायद खेतीबाड़ी की दुकान है, सामान जो मिलते हैं वो वाले। ओ भाई साहब, और ऊपर 4 फ्लोर तक है, नीचे तो है ही है बड़ी फड़ी, लेकिन ऊपर भी बहुत विशाल है। ये क्या है सारी चीजें देखो, ओहो पहली बार देख पाया हूँ मैं तो। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, निहाओ। भाई कितनी बड़ी मार्केट है, इधर जाओ इधर जाओ, चारों तरफ। पहली बार कोई बंदा मिला जिसने इंडिया और चाइना की दुश्मनी के बारे में बात की, मेरे को बोले पाकिस्तान में, बोला नहीं नहीं मैं बोला हिंदुस्तान से हूँ, बोले अच्छा लाया, लाया। तो ये सब बातें हैं। और अभी मार्केट शायद शाम के समय, मार्केट बंद करने का समय, इनके घर जाने का वक्त आया। देखो इधर सब घर के अंदर काम में नहीं ली जाने वाली चीजें होती ना, जैसे प्लास्टिक हो गया, पोता हो गया, कोई चीजें, वो सब चीजें मिल रही है। तो हर जगह पे अलग अलग चीजें मिलती हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉफी मिल रहा है। ओ भाई साहब गिफ्ट देने के लिए, जो चॉकलेट गिफ्ट देने के लिए जो चीज़ होती है ना, बैग्स वगैरह, ओहो शायद सुबह में आया होता तो इसकी रौनक ही कुछ अलग होती, लेकिन सुबह में नहीं आया भैया। यहाँ पे फिर से वही मसाला वसाला है। ओके और सामने की तरफ और मार्केट है, अभी इसमें से सीधा निकल के सामने वाली में जाते हैं, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। आप देख पा रहे हैं ये मार्केट में से निकला, आगे वाली में चले जाएगा सीधा सीधा, और ये पूरी बिल्डिंग है ऐसी। तो अपने अहमदाबाद में माधुपुरा है, वैसे ही यहाँ पे ये माधुपुरा ही है, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं उस तरफ सामने, और इस तरफ देखो आपको वो 1 किलोमीटर इस तरफ और 1 किलोमीटर सीधा, चारों तरफ आपको बाजार और दुकान ही दुकान दिखेगी। सो ये जो मार्केट, ये जो थी दुकान है, ये कुछ चाय की दुकान थी। हेलो, बहुत खुशगवार लोग हैं, आधे घंटे में मार्केट बंद हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी मार्केट घूमना पड़ेगा,
मार्केट बहुत बड़ी है भाई, पीछे तक आपकी नजर जाएगी जहां तक मार्केट दिखाई देगी।